मैनचेस्टर के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल। शानदार अंदाज में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जब टीम इंडिया के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पहला ओवर करने आए तो पहली ही गेंद पर बवाल समझ गया। पूरी टीम इंडिया एक साथ इकट्ठा हो गई मैदान पर, शोर होने लगा। भारतीय दर्शक देखकर दांतों तले उंगली दबा गए। दरअसल मैच की पहली ही गेंद भुवनेश्वर कुमार की थी। शानदार स्विंग मिला गेंद को और मार्टिन गुप्टिल के जाकर पैड पर लग उठी। तेज अपील हुई। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने अंपायर को कन्विंस करना चाहा, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया और नॉट आउट दे दिया। अब टिक टिक घड़ी की तरह डीआरएस का काउंटडाउन कम होने लगा। तभी आखिरी सेकंड में विराट कोहली ने डीआरएस के लिए हामी भर दी और जैसे अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर की तरफ करा तो टीवी रिप्ले में साफ देखा जा सकता था कि भारत का ये रिव्यू खराब हो गया। दरअसल मार्टिन गुप्टिल नॉट आउट निकले, गेंद पिच होने के बाद स्टंप्स को मिस कर रही थी और अंपायर बिल्कुल सही थे। हालांकि उस वक्त विराट कोहली थोड़े से निराश जरूर दिखे कि ये क्या हो गया। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने स्पष्ट शब्दों में डीआरएस लेने के लिए मना कर दिया था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि ये आउट है, इसे ले लीजिए। तब जाकर विराट कोहली ने बात मानी और डीआरएस की तरफ इशारा किया। आपको याद दिला दे कि भारत और इंग्लैंड के बीच मैच के दौरान जब बैरिस्टो के लिए हार्दिक पांड्या ने तेज अपील की थी तब महेंद्र सिंह धोनी ने उसे नकार दिया था और बाद में टीवी रिप्ले में देखा गया तो बैरिस्टो आउट थे। उसके बाद विराट कोहली को गुस्सा भी आया था और यही वजह है कि आज महेंद्र सिंह धोनी ने जोर नहीं दिया। उन्होंने सोचा क्या पता आउट। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।